रिसेंटली चैट जीपीटी के सीईओ ने इंडिया का विजिट किया और वहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि चैट जीपीटी जैसी ऐप इंडिया शायद नहीं बना पाएगा, मुश्किल होगा इंडिया के लिए। और उसी टाइम पे न्यूज़ के मुताबिक इंडिया ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और जैसे उन्होंने ट्विटर के मुकाबले में कूप बनाया और अब उनका ये कहना है कि चैट जीपीटी जैसी ऐप भी हम जल्द बनाएंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, हमारे एक साइड पे इंडिया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो कि आईटी पे बहुत वर्क कर रहा है, एक साइड पे चाइना है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत वर्क कर रहा है, आईटी पे बहुत वर्क कर रहा है। पाकिस्तान में इसका क्या इंपैक्ट है, पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कितना काम किया जा रहा है और जो इंडिया ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है क्या उसको वो पूरा कर पाएगा या नहीं, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम मीर हसन है। क्या करते हैं सर? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, फिर तो आपसे बात करके बड़ा मजा आएगा। हमारा टॉपिक भी तकरीबन इंजीनियरिंग के, टेक्नोलॉजी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से है। ये बताएं पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस पोजीशन पे खड़ा है अगर हम अपने नेबर कंट्रीज से थोड़ा सा कंपैरिजन करें, इंडिया से, चाइना से या इसके अलावा। यार मेरा जो अपना ओपिनियन है इस हवाले से तो ये है कि पाकिस्तान आई डोंट थिंक कि उस कंपटीशन में भी कहीं आता है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि हमारी एजुकेशन जो है वो उस लेवल की है नहीं। तो अब तो आप दुनिया में जैसे देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे जो आपके नई इजादात जैसे चैट जीपीटी और डिफरेंट चैनल्स आ गए हैं जो उन ऑलरेडी एक मोनोलिथ किस्म के एग्जिस्टिंग गूगल के सर्च इंजन्स हैं, लाइक उनको वो दे रहे हैं। तो उसकी रीज़न ये कि उस लेवल की रिसर्च वहाँ पे है, तो हमारे पास तो ये नहीं है। ठीक हो गया, चैट जीपीटी की आपने बात की, इसी के ऊपर हमारा मेन टॉपिक भी यही था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी। जो चैट जीपीटी के सीईओ हैं उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वहाँ पे उन्होंने किसी मतलब सेमिनार में या किसी मीटिंग में ये बोल दिया कि हम आप ये इंडियंस ये काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया, चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते। वैसे तो ऑलरेडी उन्होंने ट्विटर के मुकाबले में कूप बनाया, चाइना ने जो उनसे व्हाट्सएप के मुकाबले में मैसेंजर ऐप्स बनाई हैं, इंडिया अब चैट जीपीटी जैसा जो उनसे ना एक वो बनाने जा रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है, क्या कहेंगे? चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, हमें क्यों नहीं शर्म आ जाती? यार इसमें यही है कि थोड़ा सा हमें जो ना रियलिस्टिक देखना पड़ेगा, इंडिया जो भी है उनकी बात, जो आई गेस सैम एल्टमैन की आप बात कर रहे होंगे, जो बात किसी हद तक सही है कि इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल अगर हम अपने कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ तो हमारी एजुकेशन उनके लेवल की नहीं है। ठीक हो गया, मैं कुछ 2 साल अमेरिका में भी रह के आया, वहाँ पे दरसगाँव में भी मैंने देखा है, तो हमारे पास जो इंजीनियरिंग की क्लास होती थी उसमें लाइक 90% इस इधर साउथ इंडिया, मोस्टली इंडिया और चाइना। तो वो तो उस लेवल तक भी पहुंचे, तो हमारे तो पास लोकल यूनिवर्सिटीज़ तो वो लेवल है ही नहीं। इंडिया की लोकल यूनिवर्सिटीज़ आईआईटीज वगैरह में भी बड़ी अच्छी रिसर्च और उनका काम हो रहा है, फिर उसके बाद यूनिवर्सल लेवल पे आप देखें उनके सीईओज और जो दीगर लोग हैं उस लेवल तक पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटीज़ तो यहाँ पे भी मौजूद हैं, अगर वहाँ पे आईआईटी है, यहाँ पे यूईटी है, नस्ट है, इसी कैसे जो मतलब देखिए यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं होता, आपके पास उन लोगों की बात होती है कि जो एक्चुअली उस नॉलेज को दे सकें आपको। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने पढ़ा और हमने यही देखा है कि आपके पास जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो उन लोगों को कभी भी जो है ना फेवर नहीं करती जो एक्चुअली रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म की चीज़ें होती है जो चलती हैं। तो आपके पास वो चीज़ निकालनी होगी जो शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ईरान में निकली है या आईआईटीज़ आपके पास इंडिया में निकली है, तब आप किसी हद तक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आ सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने बोला कि जो सा उन्होंने बात की है सीईओ ने, चैट जीपीटी के सीईओ ने बात की है कि इंडिया वाकई ऐसा नहीं बना सकता, आप कैसे कह सकते हैं? मतलब देखें, मेरी जो एक आइडिया है, जो एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर आईटी की बात करें वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स इंडिया में हैं और चैट जीपीटी भी कहीं ना कहीं आईटी से लिंक करती है, तो क्या आपको नहीं लगता उन्होंने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है वो उसको पूरा कर पाएंगे? इसमें मेरा थोड़ा सा अपना एक पर्सपेक्टिव है जो मैंने वहाँ यूएस में भी 2 साल वगैरह देखा कि आप देखिए कि इंडियंस वगैरह ये सारे वहाँ पे हैं तो सही, लेकिन वो एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड हो सकता है, इसमें मेरी थोड़ी सी जो है ना इग्नोरेंस भी हो, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड उनके बिजनेसेस हैं इधर, वो माइक्रोसॉफ्ट के हों या फिर गूगल के हों, उन्होंने खुद से चीज़ें उतनी ऐसे डेवलप नहीं की, तो वो आप थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंट की हिस्टोरिकल एजुकेशन में जाएं तो हमारी एजुकेशन ही ऐसी है कि जिसमें हम फॉलो करते हैं, यानी कि इनोवेशन की तरफ हमारी थिंकिंग उस लिहाज से नहीं होती जिस तरह वेस्ट में होती है। आप एक स्टीव जॉब्स या कोई दूसरा, आपके पास बिल गेट्स, वो एक जिस तरह की एक माशरे में जिस एक रीत होती है उसकी डेवलपमेंट है, तो पाकिस्तान इंडियंस शायद उस लेवल पर नहीं है, बट स्टिल इंडियंस आर
when it comes to education much ahead than you know Pakistan. हाँ, अच्छा ये बताएं क्या ऐसी वजह हुई कि देखें आप ये तो एक चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि वो एजुकेशन के मामले में, आईटी के मामले में और टेक्नोलॉजी खास तौर पे अगर ओवरऑल बात करें हमारे से बेहतर हैं, ठीक है, हम क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे, हम क्यों नहीं सीख पा रहे, हमारे एक साइड पे इंडिया बैठा है, एक साइड पे चाइना बैठा है, दोनों टेक्नोलॉजी पे बड़ा काम कर रहे हैं, हमें फिर नहीं समझ आ रही यार। उसमें फिर आप ये देखें ना कि माशरे में आपके पास हीरोज कौन होते हैं, हमारे पास यहाँ पे इंजीनियरिंग करके लोग सीएसएस की तरफ चले जाते हैं और लोग आर्मी में जाना चाहते हैं क्योंकि माशरे में उन लोगों की जो ना इज्जत है। आपके पास इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की जो एक्चुअल आपके पास दे सकते हैं एडवांसमेंट इंटर बेटा, पहले अगर पाकिस्तान के साथ तकाबल करें ना उसका, पाकिस्तान के $4 अरब के ज़र मुबादला है, उसके $650 अरब के, ये अगर कोई कहता ना कि वो नहीं बना पाएगा तो उसकी खाम ख्याली है, $660 अरब नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल बना सकता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा आगे हैं पाकिस्तान की निस्बत। जी बिल्कुल, जो है ना जैसे आप देख सकते हैं कि जो है ना इंडिया इज़ अ जो है ना ग्रोइंग फास्टेस्ट कंट्री, और एशिया में देखा जाए तो इंडिया जो है ना बेहतरीन एक आईटी के लिहाज से बेहतरीन कंट्री है उभरता हुआ, और चैलेंज करने की बात है तो इंडिया जो है ना, मैं सोचता हूँ कि जो है ना अगर पाकिस्तान भी अगर जिस तरह तरक्की कर रहा है तो पाकिस्तान भी जो है ना इंशाल्लाह मात दे सकता है अमेरिका को, इंडिया भी तो जो है ना एक इसी तरह ग्रोइंग कंट्री है, हम में से लोग हैं वो, और ज़रूर कोई जो है ना इंडिया मात देगा अमेरिका को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह पाक का शुक्र बेहतरीन। सर मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया जो कि आईटी के लिहाज से पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर उसके लोगों की भी बात की जाए तो सीईओज बैठे हुए हैं, वो स्टारबक्स की बात कर लें, गूगल की बात कर लें, आप लोग ट्विटर की बात कर लें, रिसेंटली अमेरिका के जो ओपन आई कंपनी के सीईओ हैं सैम अल्टन, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया जो चैट जीपीटी है, एआई चैट है, वो नहीं बना पाएंगे। आपको क्या लगता है कि इंडिया सच में नहीं बना सकता जो कि आईटी के लिहाज से इतना आगे हो? बेटा पहले अगर पाकिस्तान के साथ तकाबल करें ना उसका, पाकिस्तान के $4 अरब के ज़र मुबादला है, उसके $650 अरब के, ये अगर कोई कहता ना कि वो नहीं बना पाएगा तो उसकी खाम ख्याली है, $660 अरब के। अब कल एक बजट अलाउंस हुआ है पाकिस्तान में, उसमें हमने दफा के लिए रखा है 18 खरब रुपये, हाँ जी, और सूद हमने देना है 7000 अरब रुपये, हाँ जी, ऐसा ही है ना मेरा ख्याल, और तालीम के लिए हमने क्या रखा है 4000 अरब रुपया, जबकि सूद हम दे रहे हैं 7000 अरब रुपया। हमारा और इंडिया का ये मुकाबला पहली बात, दूसरी बात वो क्यों नहीं बना पाएगा, ये तो खाम ख्याली जो कह रहा नहीं बना पाएगा, पहले उसके असासे देखें, $660 अरब के असासे हैं इंडिया में, ऐसी ऐसी आईटी कंपनियां हैं जिसका मजमू बजट पाकिस्तान के दफा के बजट से ज़्यादा है, ये तो एक तसव किया ना कि वो नहीं बना पाएगा, ठीक है। दूसरा आपने अभी बात की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसमें बेटा एक बहुत बड़ी खामी है, ये मैंने पिछले दिनों अखबारात में पढ़ा है कि इंसान की ज़िंदगी और मौत का फैसला रोबोट करेगा, उसमें सबसे बड़ी ये बात निकली है कि अगर रोबोट से कोई गलती हो जाती है या वो मिसाइल फायर कर देता है, टेक्नोलॉजी उनकी इज्जत होगी तो लोग और काबिल लोग उस तरफ जाएंगे ना, वो जब नहीं जाते तो फिर आपके पास फिर एक प्रोडक्ट आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये एक ज़ाहिर एवोल्यूशन होती है ओवर द ईयर्स, ठीक हो गया। लेकिन इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अब चूँकि दुनिया एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हो गई है, देयर आर लाइक यू कैन गेट द एजुकेशन ऑफ MIT ऑनलाइन फॉर फ्री, मेनी अदर थिंग्स, तो आप जो हमारी नई नस्ल है वो अपने तौर पर भी यूट्यूब और इन चीज़ों का एक अच्छे अंदाज में यूज़ कर सकती है, Coursera, edX and, ठीक है, आपने बोला यूट्यूब को या सोशल मीडिया को यूज़ करके टेक्नोलॉजी के बारे में हो ले सकती है, अवेयर हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पे यूट्यूब की बात कर लें, कभी बंद होता है कभी फिर दोबारा चलता है, फेसबुक मोनिटाइज नहीं है, इस तरीके से इन चीज़ों पर भी तो काम नहीं हो रहा। मकसद यह है कि दुनिया जिस तरीके से चल रही है, दुनिया जिस तरीके से कंपटीशन में आ रही है और चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रही है, हम उस डगर पे नहीं चल रहे, हम उस ट्रैक पे नहीं चल रहे, मेन मकसद ये है। उसकी फिर आप ये बात देख लें कि वो फिर थोड़ा सा एक मायोपिक, एक कम नज़री और तंग नज़री हमारी है, हम एक हर चीज़ को एक सिक्योरिटी के लेंस से देखते हैं, तो उस बेसिस पे यूट्यूब और इन सारी चीज़ों में भी कदगन लग जाती है। आप एक ओपन सोसाइटी रहने दें, लोगों को सोचने का टाइम दें, तो फिर एक और टाइम जो है इवोल्यूशन हो जाती है और लोग उस तरफ बढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल इनकी इस बात से एग्री करता हूँ। अगर बात करें सिक्योरिटी की, आपने बात की, आपको नहीं लगता ऐसे हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्क में है? देखें, चाइना से हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल हमारे चाइना से आ रहे हैं, खिलौने हमारे चाइना से आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम यहाँ पर सिक्योर हैं? हमारी जो उनसी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डाटा है, वो सारा दूसरे कंट्रीज जो भी कोई चाहे लाइक खास तौर पे चाइना उनके तक नहीं जा सकता? मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि आपके पास इंडिजिनस प्रोडक्ट्स होंगी तो आप ज़्यादा सिक्योर होंगे,
चाइना का आप देखें कि वो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स इवन फेसबुक और ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं चलती हैं। वी चैट उनकी एक मेरे ख्याल से ऐप है, उसकी बेसिस पे वो सारा कुछ चलाते हैं। तो आप अगर इस बेसिस पे भी आप सिक्योरिटी का लेंस इस वाली सिक्योरिटी आई टी वाली सिक्योरिटी पर भी लाना चाहें तो आपको फिर इंडिविजुअल डेवलपमेंट और रिसर्च की जरूरत होगी और आप ये चीज़ें खोलेंगे, नौजवान नस्ल को आगे बढ़ने देंगे, तब आप जो है डेवलप कर सकते हैं। हम बात करते हैं वार 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 जंग जू और बड़े लड़ाके, बड़े जज्बाती और बड़े जो उनसे दलेर किस्म के, तो आज के दौर में देखें वार भी लड़नी है तो आज के दौर में वार ही टेक्नोलॉजी की है, डाटा की वार है, सारी इकोनॉमी की वार है। इन चीज़ों की तरफ हम अपने माइंड को, अपनी जज्बात को, अपने इमोशंस को या अपने दलेरी को क्यों नहीं लेके आते? बिल्कुल ऐसा ही है, बस मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। होपफुली कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस मामले में वो कुछ सोचेंगे और हमारे लोग भी जो है ना इस मामले में अपने तौर पे भी एक्ट करना सोचेंगे। लेकिन मुझे और आपको देखें, मुझे बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ लेकिन ये सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, प्रॉपर नॉलेज भी था और प्रॉपर जो बात की अथेंटिक बात की। और ऐसी सोच पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान की यूथ में कैसी आएगी? आपने बोला आप यूएस रह के आए, आपकी जहरी बात है उस तरीके से आपने एक्सप्लोर किया, आपने चीज़ें देखी, आपको पता चला दुनिया कैसे वर्क कर रही है, यही बात हम पाकिस्तान की पब्लिक को कैसे समझा सकते हैं? यार ये तो फिर एक तो सबको यूएस भेज दें कि उधर से इट्स वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे भी हो सकता है, आप चीज़ें ओपन हो रही हैं, आप बस सिर्फ इन चीज़ों में कदगन लगाना छोड़ दें। इंसान अपनी राह खुद ही निकाल लेता है जब उसको तलाश होती है किसी न किसी चीज़ की, नॉलेज की। तो दी आर मैनी एवेन्यूज अवेलेबल। तो नौजवान नस्ल जो है ना, आप दुनिया में बेस्ट से बेस्ट अगर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है तो यू वॉन्ट गो फॉर द सेकंड इवन, टेंथ नंबर की तो बात छोड़ें, तो वो एवेन्यूज अवेलेबल हैं। इंसान कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान को इस लेवल पे आते हुए, पाकिस्तानी यूथ को ये चीज़ें समझते हुए कि दुनिया कहाँ जा चुकी है और हम किस लेवल पे सोच रहे हैं? आज भी हम रोटी कपड़ा मकान, आज भी हम ये चोर वो अच्छा वो बुरा, इस लेवल पे अपनी थिंकिंग रखे हुए हैं? यार उस लेवल की साइंटिफिक रिसर्च, उस लेवल पे काम करने पे तो डेकेड्स लगेंगे, लेकिन उस लेवल की थिंकिंग जिसमें हम ओपनली सोच सकें होपफुली कोई 5-10 साल अगर सारी चीज़ें ओपन और कदगन ना लगें हर चीज़ पे, तो लेट्स होप सो। ठीक हो गया, अच्छा लगा जी बात करके और मैं भी यही चाहूंगा कि 5-10 साल क्या 5-10 दिन में ही पाकिस्तान की यूथ को अवेयरनेस आए, लेकिन वो आएगी तभी जब पाकिस्तान के अदारे और गवर्नमेंट चाहेगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर यूसुफ। क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूँ और अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। टॉपिक भी इंजीनियरिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, दुनिया इस टाइम वो किसका कसूर होगा? क्या जिसने वो सिस्टम बनाया उसका, या जिसने ये सिस्टम खरीदा है उसका, या जिसने ये सिस्टम तंसीब किया है उसको लॉन्च किया है उसका, किसका कसूर है? ये तो बात आपने बिल्कुल सही किया है कि आने वाले दौर में अगर देखा जाए तो AI ही इस्तेमाल होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह पर नजर आएगी। अब जो सारे ममालिक हैं वो तो यही कोशिश कर रहे हैं कि AI हमारे मुल्क में आए, हम आगे बढ़ें ताकि कोई हमसे टक्कर ना ले पाए। अब इंडिया तो जाहिर सी बात है वो बनाएगा, उसके पास इन्वेस्टमेंट भी है, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो इंडिया क्यों चैलेंज, फिर अमेरिका ने क्यों चैलेंज? उनका तो ये मामला है कि ये 2-3 दिन पहले की बात है कि हम यूटिलिटी स्टोर पे आटा लेने गए हैं, आटा भी पड़ा हुआ है बाहर, खवातीन की लाइन लगी हुई है। आप IT की बात कर, यूटिलिटी स्टोर वाले कह रहे हैं कि हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। जिस मुल्क का सिस्टम इतना कमज़ोर है कि वो भी आटा नहीं दे सकता, वो क्या 4G की बात करेगा, क्या 5G की बात करेगा? सबसे पहले तो ये बात है कि हमने अपनी तालीम के लिए कितने पैसे रखे हैं। IT भी तालीम के अंदर आएगी ना। अभी पूरे पाकिस्तान के उस्तादा की तनख्वाहें निकाल के, स्कूल का सारा सिस्टम निकाल के, ये देखिए IT के लिए बचता क्या है? हमारा तो सिस्टम इतना कमज़ोर है कि हमने जो अपने दफा के लिए ये लॉन्चिंग पॉइंट लगाए हुए हैं ना, उसका सिस्टम भी हमने किराए पर लिया हुआ है, हम तो खुद अपना बना नहीं सकते। ये देखिए ये एक ऐसी बात है कि मैं पब्लिक प्लेस पर या कैमरे के सामने नहीं कर सकता। आर्मी वाले ये समझते हैं कि ये जो हमारा सारा सिस्टम है, एक तो हथियारा से लेकर एक जनाब मवासलाती निज़ाम तक और एक टैंक से लेकर उसका जो सारा IT सिस्टम है, आप कभी किसी आर्मी वाले से पूछ ले कि वो हमने किससे किराए पे लिया हुआ है? टारनेडो से कहते हैं, अगर आपको शायद मालूम हो। इसराइल ने वो बनाया, वो पूरी दुनिया को खिदमात फराहम कर रहे हैं कि अगर हमने कोई IT ये मवासलाती निज़ाम का कोई सिस्टम है ना, तो हमने किराए पर लिया है। इंडिया के 4 सिस्टम अपने ज़ाती काम कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता कल पाकिस्तान हालत जंग में चला जाए, अल्लाह ना करे, और वो जिनसे हमने सिस्टम किराए पे लिया वो कह रहे जी काम नहीं कर रहा। अब ये देखो ना कितनी खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी कि जिस मुल्क का आटे का सिस्टम काम नहीं कर रहा, वो मैदान जंग में उसका सिस्टम क्या कर? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा आगे हैं पाकिस्तान की नस्बत और बाकी दुनिया की नस्बत, और बहुत ज़्यादा वो बाहर भी दे रहे हैं सर्विसेज। जिन
की कंट्री आईटी के लिहाज से पूरी दुनिया में रूल कर रही है, उनके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, तो फिर जो अमेरिका है उसने क्यों चैलेंज किया इंडिया को कि आप ये ऐप बना ही नहीं सकते? अमेरिका का क्या बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो अमेरिका सुपर पावर कंसीडर की जाती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एआई टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी आहिस्ता आहिस्ता एआई की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इंडिया क्या, पूरी दुनिया एआई की तरफ शिफ्ट हो रही है, हर जगह अब एआई ही यूज। किस लेवल पे जा चुकी है पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब भी कितने लोगों को पता है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पाकिस्तान में एआई के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता भी है ना तो वो थोड़ा रिजर्व रह रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि लोगों की एक राय बन चुकी है यहाँ पर कि एआई काइंड ऑफ उनकी जॉब्स खा लेगी। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जो कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि एआई से उनके जॉब चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये मतलब ये कि रिपोर्ट आके सारा काम करेंगे, रिबोटिक सिस्टम हो जाएगा, मशीनरी के थ्रू हो जाएगा, ऑटो सारा सिस्टम हो जाएगा, ये सर मेकाट्रॉनिक्स की अगर बात कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जॉब्स खा लेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगी। हाँ, इशू उन लोगों के लिए होगा जो एआई को सीखेंगे नहीं। ठीक हो गया। क्योंकि लेट्स सपोज मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ अपनी कंटेंट राइटिंग के लिए भी, मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ साथ। ठीक हो गया। तो मैं डेफिनेटली मैं एक कंटेंट लिखता हूँ, चैट जीपीटी उसको रिफाइन करने में मेरी बड़ी हेल्प करती है। ठीक हो गया। तो अगर आप तो इस सेंस में देखेंगे तो ये बहुत फायदेमंद है। इस तरह बहुत से और टूल्स आ गए हैं, ग्राफिक्स के आ गए हैं, वीडियो एडिटिंग के आ गए हैं। ठीक है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस रखें और इन सॉफ्टवेयर्स को उसको रिफाइन करने के लिए यूज़ करें तो मेरे ख्याल में इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आपने चैट जीपीटी की बात की, हम भी इसी के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे ये बताएं आप वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फ्री वाला वो कर रहे हैं या फिर पेड कर रहे हैं? मैंने फ्री भी कर रहा था पहले, पर मैंने अब पेड कर लिया जो $20 का। मुझे ये बताएं आईटी की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खासतौर की फील्ड में चैट जीपीटी का इतना नाम कैसे बना, क्या ऐसी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से हर एक से आप जिससे भी बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो ये कहते हैं चैट जीपीटी, चैट जीपीटी? बिल्कुल। असल में जैसे मैंने बताया कि रिफाइन कर देता है ये मटेरियल को, तो सेम जो कोडिंग करते हैं लोग वो अपने कोड चैट जीपीटी पे ऐड करते हैं और चैट जीपीटी उनको मिस्टेक्स भी बताता है और उसका एक बेटर वर्जन भी बता देता है। ठीक हो गया। चैट जीपीटी जैसी कोई ऐप या कोई ऐसा सिस्टम पाकिस्तान से कोई इंजीनियर या पाकिस्तान से कोई भी इंसान बना सकता है या इंडिया से कोई बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो सीएस रिलेटेड हैं, क्योंकि मैं खुद फास्ट यूनिवर्सिटी से हूँ तो मेजोरिटी मेरे फ्रेंड्स का ताल्लुक सीएस बैकग्राउंड से है, तो वो लोग काम कर रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो इस तरह के सेटअप्स वगैरह इस तरह के प्रोग्राम्स बना के देते हैं। बट इशू यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोगों को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। ठीक है। कोई इन्वेस्टर भी होगा ना तो वो पैसे खर्चने से डरेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं, उसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करवा दो, उसे आप पता नहीं इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करवा दो, वो समझेगा हाँ ठीक है चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ये तो मरवाएंगे। अच्छा, अभी जो सीईओ है चैट जीपीटी के, उन्होंने इंडिया विजिट किया, वहाँ पे उन्होंने ओपनली बोला कि भाई चैट जीपीटी जैसी कोई ऐप या कोई इस तरह का सिस्टम इंडिया वाले बना नहीं सकते, नाकाम हो जाएंगे अगर ट्राई करेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, क्या कहते हैं कि इंडिया वाले इस चैलेंज को जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है क्या वो पूरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं, इंडिया हमारे से आईटी में वैसे भी बहुत आगे है, ये तो सबको पता है, और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी बन सकता है सिस्टम ऐसा। मेरे खुद एक दोस्त ने ट्राई किया था, उसने एक बेसिक बनाया था काइंड ऑफ, उसको एक्सेल के साथ अटैच किया था। अच्छा। तो वो इस तरह से किया था कि वो एक्सेल के साथ वर्किंग करती थी चैट जीपीटी ही, विद बेसिकली वो चैट जीपीटी की हेल्प के साथ था, बट एक्सेल के काम कर देती थी वो आपको। तो इस तरह के आप प्लगइन्स वगैरह बनाए जो आप चैट जीपीटी के साथ अटैच कर लें, चैट जीपीटी प्रॉपर इस तरह का सेटअप जैसे चैट, मतलब ये तो आपने ये ना एक्सटेंशन बता रहे हैं, इस तरह की ऐप आप एप्लीकेशन बना सकते हैं इंडिया वाले? बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसे आपको अगर बेसिक पीछे का कंसेप्ट समझ आ जाए तो आप बना सकते हो। चैट जीपीटी क्यों उसकी निस्बत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि चैट जीपीटी के पास डेटा बहुत है, डेटा बहुत, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन से ज़्यादा का डेटा उसके पास, बिल्कुल ऐसे ही। वो नॉर्मल कंपनी के पास वो डेटा इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा, टाइम लगेगा। हाँ। लेकिन ये है कि चैलेंज एक्सेप्ट करना भी बड़ी बात है, आपने बोला आईटी में इंडिया बहुत आगे है, वो कैसे आगे चला गया? 1947 में हमारे भी वही इंस्टीट्यूट थे, उनके भी वही इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, हमारे भी वही लेक्चरर वही टीचर थे जैसे ऑलमोस्ट वहाँ पे थे, मतलब एक ही था ना सारा सिस्टम, लाहौर और दिल्ली एक ही था, तो फिर क्या ऐसा हुआ? असल में उनकी गवर्नमेंट ने इस लेवल पे बहुत सपोर्ट किया उनको, हमारे यहाँ पर भी मैं सुनता था अपने दोस्तों से कि ना एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट आ रहा था इंडिया से पहले पाकिस्तान आ रहा था वो। अच्छा। क्योंकि मैंने भी सुना ये बेहतर लग रहा था उसको, बट यहाँ की गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया, अल्टीमेटली वो इंडिया चले गए, वहाँ जाके सेटअप कर लिया, अब डेफिनेटली उनकी ग्रो कर गई है। ठीक है। हमारे यहाँ पर जो काम कर भी रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि बाहर के सॉफ्टवेयर हाउस हैं
उन्होंने यहाँ पर अपनी ऑफिसेस खोले हुए हैं और उन पे काम कर रहे हैं, तो अगेन लोग कर बाहर के लिए काम रहे हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे कौन सा ऐसा सेटअप है, मतलब सोशल मीडिया के, मैंने ये सुना था कि शायद गूगल भी यहाँ पे अपना कोई ऑफिस स्टार्ट करना चाहता है, या इस तरीके से और भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म दूसरे हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, यूट्यूब का यहाँ पे कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं है, हो रही है हर फील्ड में ही AI यूज़ हो रही है। अब चैट जीपी देख लें, पहले गूगल था सर्च इंजन, अब चैट जीपी आ गया है, इससे भी आगे जा रही है दुनिया। तो अगर देखा जाए तो इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए महिंद्रा जिनकी गाड़ियां कंपनी ऑन करते हैं वो उन्होंने इन्वेस्ट किया, अब बात आएगी अंबानी पर, आपको लगता है कि अंबानी भी इन्वेस्ट करेंगे अपने मुल्क को इतना ऊपर लेकर जाने के लिए? बिल्कुल, अंबानी तकरीबन जो ग्रुप है बहुत बड़ा है, हर जिंदगी के वो हर फील्ड में उसका है, ये टेलीकॉम सेक्टर देख लें उसमें भी उसने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, और जो उनकी टेलीकॉम में बहुत हाई रेट थे वो बिल्कुल ज़ीरो लेके आया, अभी मेरे ख्याल में कि वो ज़रूर इस फील्ड में जाएगा। हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, हम कब तक अपनी IT को इस तरह से पीछे लेकर जाते रहेंगे, और इस तरह की एप्स वगैरह बनाना हम कब स्टार्ट करेंगे, हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं है। मेरे नहीं ख्याल में कि अभी कोई इस तरफ, थोड़ा बहुत रुझान है पर गाइडेंस की कमी है, ऐसा ऐसा हो जाएगा। हम सर्विस तो दे रहे हैं, फ्रीलांस सर्विस बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी दे रहे हैं। तो पाकिस्तानी मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी तो इतने कैपेबल हैं ना, जिस तरह हम इंडियन स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि हर मुल्क के अंदर जो भी CEO देख लें आप, स्टारबक्स का देख लें, गूगल का देख लें, वहाँ पर हमें इंडियंस ही नज़र आते हैं, और आप जब इस की बात की जाए तो यहाँ पर भी देखा जाए तो इंडियंस ने चैलेंज ओपनली एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है हम ये ChatGPT बना लेंगे अपने मुल्क के अंदर, अगर हमें कोई चैलेंज करते हैं तो हम इतना खरा उतर सकते हैं? बिल्कुल उतर सकते हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं IT के, मेरे ख्याल में ऐसे स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि वो इस लेवल पर काम कर सकें। बिल्कुल, जो है ना जैसे आप देख सकते हैं कि जो है ना इंडिया इज़ अ जो है ना ग्रोइंग फास्टेस्ट कंट्री, और एशिया में देखा जाए तो इंडिया जो है ना बेहतरीन एक IT के लिहाज से बेहतरीन कंट्री है उभरता हुआ, और चैलेंज करने की बात है तो इंडिया जो है ना, मैं सोचता हूँ कि जो है ना अगर पाकिस्तान भी अगर जिस तरह तरक्की कर है तो पाकिस्तान भी जो है ना इंशाल्लाह मात दे सकता है अमेरिका को, इंडिया भी तो जो है ना एक इसी तरह ग्रोइंग कंट्री है, हम में से लोग हैं वो, और ज़रूर कोई जो है ना इंडिया मात देगा अमेरिका को। अगर बात की जाए CEO जो OpenAI के CEO हैं अमेरिका के कह लें, उन्होंने सिंपल कह दिया कि भाई इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए इतना कुछ होगा। अगर इन्वेस्टमेंट की भी बात की जाए तो उनके पास महिंद्रा है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इस ऐप के अंदर, और अब देखा जाए तो अंबानी भी इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, मतलब इंडिया ने सिर्फ कहा है कि हम ये ऐप बनाएंगे और इन्वेस्टर्स की लाइन लग गई है। बिल्कुल, जो है ना इंडिया के पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना, क्या वजह क्या है आखिर, मतलब हम इन चीज़ों के ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे जबकि पूरी दुनिया इन चीज़ों पे चल रही है? असल में हमारी अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते कहीं ना कहीं। गलती किसकी है, मतलब हम, मैं नहीं करना चाह रहा, आप नहीं करना चाह रहे, या हमारी गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही कि पाकिस्तानी को पता चले कि दुनिया किस लेवल पे जा चुकी है? समझता हूँ कि गलती दोनों तरफ से है, ठीक है, ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट एक बड़ा आधार है, वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा टेक केयर कर सकता है। स्टूडेंट के सामने से क्या इशू है कि लेट्स सपोज अगर मैं ही CS का काम करूँ, मेरा अच्छा काम चलेगा, मैं पाकिस्तान में नहीं ठहरूंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा, मेरे लिए USA के ऑप्शन है, जर्मनी के ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया के ऑप्शन है, तो मैं उनको टारगेट करूंगा बजाय कि पाकिस्तान रहने में। तो ये भी है उसमें, डेफिनेटली गवर्नमेंट अगर अपना काम करती है यहाँ पर, उनको अच्छा सेटअप प्रोवाइड करके देती है, कह लें कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि यूथ इस तरफ चले। बिल्कुल, जिस तरह अल्फा ग्रीम टावर बनाया था उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत से लोगों ने वहाँ से स्किल सीखी, काम कर रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, कई लोगों ने वहाँ से स्किल सीख के अपना सेटअप शुरू कर लिया। ऐसे ही कहते हैं हमसाए का इंसान पे या इंडिविजुअली या ओवरऑल कंट्री की बात करें बहुत इम्पैक्ट होता है हमसाए के ऊपर, मतलब हमारे साथ चाइना है वो भी टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, साथ इंडिया है वो भी बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, हम पे ये असर क्यों नहीं करती चीज़ें, मतलब हम इधर से सीख लें या इधर से सीख लें? सर उसमें अगेन हायर अथॉरिटी का इशू है, वो शायद करना नहीं चाहते इस बारे में, हालांकि अगर वो कर लें तो उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अभी भी जो पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग की मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया के कंपैरिजन बहुत कम है, बट दुनिया में 5वें 6वें नंबर पे ऑलमोस्ट आ रहे हैं, नहीं चौथे नंबर पे, हाँ टॉप 3 में आता है पाकिस्तान। अच्छा। तो इस लिहाज से पाकिस्तान बहुत अच्छी मार्केट है फ्रीलांसिंग के लिहाज से, और यही अगर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, यही अगर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए तो मैं ये समझता हूँ शायद दूसरे पे भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ फैसिलिटेट करने की जरूरत है, अगर फैसिलिटेट करते हैं तो
कौन बैठ जाना चाहेगा, वो यहाँ बैठे काम कौन जाना चाहेगा। यहाँ पे जो लोग अभी काम भी कर रहे हैं उन्हें कभी पेपाल की इशू हो जाता है, जी पेपाल नहीं है, आपको भी ये इशू फेस करना है? इशू है क्योंकि मैंने अपनी ट्रांजेक्शन करनी होती है तो मुझे या पियोनियर या वाइस के थ्रू करनी पड़ती है, डिफरेंट चैनल यूज करने पड़ते हैं, उनकी एक फीस लगती है, पेपाल इस दूसरे से कहते हो कि जी आप हमारे पैसे मंगवाएं फिर वहाँ से हम यहाँ मंगवाते हैं, ऐसे ही है। तो अगर पेपाल आ जाते तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि पेपाल पे कोई लिमिट भी नहीं होती ट्रांजेक्शन की, मिनिमम ट्रांजेक्शन भी कर लो आप, ठीक है। अच्छा अगर बात करें सिक्योरिटी की, हम हमेशा अपने स्कूलों में यूनिवर्सिटीज में अदारों में ये कहते नजर आते हैं पाकिस्तान एक कॉर्नर का प्लॉट है, यहाँ सिक्योरिटी रिस्क है, पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे, ये सुनते हैं हम बात, ठीक है। आर्टिफिशियल अगर इंटेलिजेंस की बात करें, सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत लिंक है। अब आजकल के दौर में हमारे खिलौने चाइना से आ रहे हैं, हमारा टेक्नोलॉजी का जितना भी मोबाइल है या जो भी है चाइना से आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चाइना से आ रहा है, क्या हम सिक्योरिटी वाइज महफूज नज़र आएंगे आपको? यार मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान एक महफूज कंट्री है, वो है डेफिनेटली, लेकिन जिस डेटे की वार है और डेटा की अगर बात की जाए कि हमारा डेटा सिक्योर है, नहीं उस लिहाज से कह सकते हो आपके थोड़ा वीक सिस्टम है, ठीक है काइंड ऑफ। तो चाइना अगर अपनी ऐप बना सकता है रीचैट के नाम से, जो वी चैट के नाम से जो उन्होंने जो है मैसेंजर के मुकाबले में या व्हाट्सएप के मुकाबले में बनाई है, इंडिया अगर ट्विटर के मुकाबले में कू बना सकता है, उन्होंने एक ऐप बनाई है, या फिर जैसे अभी उन्होंने चैट जीपीटी के मुकाबले चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, कोई इस तरह की ऐप बना सकते हैं, हम क्यों नहीं सोच क्यों नहीं सकते, बना क्यों नहीं सकते? मेरे नहीं ख्याल में कि सोच पे या नॉलेज पे कोई वो इशू है कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। पर अगेन मैंने बताया ना कि लेट्स सपोज अगर कोई सेटअप शुरू भी करना चाहता है उसको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उसको वो सपोर्ट नहीं मिलती, तो अल्टीमेटली वो यहाँ लॉन्च करने के बजाय वो बेहतर समझता है कि वो थोड़े पैसे खर्च के बाहर जाए और बाहर लॉन्च करके उससे कुछ कमाए भी, हाँ, और अपना नाम भी बना ले। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों से IT को काफ़ी सपोर्ट दिया है, पर मेरे ख्याल में स्टिल अभी वो बेसिक लेवल तक भी नहीं आ पा रहे एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से काम हो रहा है उसे देखते हुए हम बेसिक लेवल तक भी नहीं आ पा रहे, नहीं ठीक हो गया। आने वाले 5-10 साल में कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको, मतलब आप भी इंजीनियर हैं, आपके स्टूडेंट्स इर्द गिर्द होते हैं, आइडिया होता है कि बस यार अब तो चेंज आने वाला है, क्या समझते हैं पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी की बात करें, IT की बात करें, कोई चेंज आता नज़र आ रहा है? चेंज आता बिल्कुल नज़र आ रहा है लोगों ने, क्योंकि IT को अब इवन जो लोग मैट्रिक पास भी थे वो भी IT की फील्ड में आ गए, क्योंकि मेरे खुद भी ख्याल है कि डिग्री के बजाय अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हैं, स्किल्स सीख लेते हैं ना, ऐसे ही है, और अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कर लें, अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर फोकस रखें एज कम्पेयर टू अपनी एजुकेशन स्किल्स के ऊपर, तो अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया ने IT में अपने आप को डेवलप किया, उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए, क्या हमें उनसे सीखने की जरूरत है? इवन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करके, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू हम वहाँ से अपने यहाँ पे टीचर्स को बुलाएं या यहाँ से स्टूडेंट्स को वहाँ पे भेजें और इस तरीके से हम फायदा उठा सकते हैं, उठाना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल में इसमें कोई इशू है, बेशक उनके साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो भी हैं, बिल्कुल वो ये इश्यूज अपनी जगह, हाँ, एजुकेशन के लिहाज से इस तरह से अगर कोई सपोर्ट मिल सकती है तो एक दूसरे को करना चाहिए, ठीक है, यहाँ से वहाँ करनी चाहिए और वहाँ से यहाँ करना चाहिए, तो वो उसका अल्टीमेटली फायदा ये सब कॉन्टिनेंट के लिए होगा, ये एक अच्छा रीजन बन सकता है, अल्टीमेटली वो प्रोग्रेस इधर पूरे रीजन में नजर आएगी, एशिया में आएगी, और जैसे यूरोप हब बना हुआ है, अमेरिका है, इस तरह मिडल ईस्ट अब बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, इससे सब कॉन्टिनेंट में उनसे ज्यादा स्किल भी और पोटेंशियल भी है, ठीक है, वहाँ भी यहीं के लोग जाके काम करते हैं, ऐसे ही है, मैन पावर भी यहाँ पे, मैन पावर भी और स्किल भी यहाँ की यूज हो रही है, तो वही अगर यहाँ पर ये लोग आप इसके पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रख के कुछ एफर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली उसका बहुत फायदा होगा, ठीक हो गया। बहुत अच्छा लगा बात करके, और ये होती है एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव माइंड की निशानी के भाई जो इश्यूज हैं अपनी जगह हैं, लेकिन आप ना तो इंडिया का सोचो ना ही पाकिस्तान का सोचो, बल्कि सब कॉन्टिनेंट का सोचो, जिससे फायदा दोनों का होगा। अगर यूरोप आपस में मिल सकता है, अगर इसके अलावा और दुनिया के जो उनसे कंट्रीज हैं आपस में मिल सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान चाइना ये खास तौर पे एजुकेशन के हवाले से टेक्नोलॉजी के हवाले से मिलके काम क्यों नहीं कर सकता? अच्छा लगा जी आपसे बात, थैंक यू सो मच, ठीक है। और बिजनेस के लिहाज से जैसा कि अभी एप्पल की जो है ना उनके पास अभी जो है जी बिल्कुल हाँ, तो इंडिया के पैसों की कमी नहीं है, बस जो है ना नॉलेज है, नॉलेज आप इंडिया के पास भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अमेरिका में तो वैसे ही जो है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ज़रूर जो है ना पैसे के लिहाज से भी इंडिया मात दे सकता है उनको जो है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दिनों के लिए कह लें कि लोग एज अ वेपन इस्तेमाल करने वाले हैं उसको, क्योंकि जो भी सारा कुछ करना है AI करेगा, ह्यूमंस की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली आगे, तो पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है? हमारी IT अभी आज हमारा बजट पेश हुआ है और सबसे ज़्यादा कम बजट हमने अपनी तालीम पर लगाया। बिल्कुल जो है ना हमारे जो डेफिशिट अमाउंट है वो इतनी है कि हम लोग कर्जे से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, अगर हम फोकस करें तो ज़रूर जो है ना हम लोग कर सकते हैं, लेकिन बात वही है ना कब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी, हमारे सियासतदान अपने मुल्क के साथ
सिंसेयर नहीं होंगे तो तब तक हम जो है ना ये अचीव नहीं कर सकते जो है ना। बाकी चैट जीपीटी जो है ना एज अ स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा टूल है, मतलब आप हेल्प ले सकते हैं एज अ जो ना स्टूडेंट, एज अ बिजनेसमैन, एज अ रिसर्चर आप बहुत हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी। कोई मैसेज आप एंड पे देना चाहिए स्पेशली पाकिस्तान के लिए? पहली बात ये है कि सबसे पहले तालीम के ऊपर तवज्जो देनी है, जितनी जल्दी हो सकता है सूद उतार लें। जो मुल्क एक साल के लिए 7,000 रुपया सूद दे रहा है, अगले साल फिर देगा, उससे अगले साल फिर देगा, अगर डॉलर एक रुपया बढ़ जाता है, ये जो हमने 7,000 रुपया सूद देना है इसमें 24 रुपये का इजाफा हो जाएगा उसी वक्त। सबसे पहले बेटा सूद उतारा जाए और उसके बाद पूरे बजट का 4 या 5% जो हिस्सा है ना वो तालीम के लिए रखा जाए। दफा भी बाद में है, सेहत भी बाद में है, हर चीज़ बाद में है, एजुकेशन हाँ पहले एजुकेशन। देखे ना कि बरतानिया की कितनी आबादी है, 6.5 करोड़ की डॉलर, 6 करोड़ की आबादी है और उसने दफा के लिए बजट रखा है 50 अरब डॉलर, 50, और तालीम के लिए रखा है 60 अरब डॉलर।